अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से पहले बृहस्पतिवार की सुबह तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। देश के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान 3 को आज श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और 23 अगस्त के बाद किसी भी दिन ये चंद्रमा पर उतर जाएगा। भारत अब चांद पर उतरने के लिए तैयार है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 14 जुलाई श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरते ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा है। ये जान लेना जरूरी है कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन है क्या। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ये मिशन चांद की स्टडी के लिए है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। जानकारी के मुताबिक इसकी सारी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और पेलोड्स भी लगाए जा चुके हैं। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा था, लिहाजा इस बार लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया है। पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंड करने में कामयाब रहेगा। चंद्रयान 3 एक बेहद अहम स्पेस मिशन है और इसके जरिए चांद की सतह पर रोशनी और खनिजों की हिट के आधार पर स्टडी की जाएगी। चांद पर थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान का अध्ययन किया जाएगा, साथ ही चांद पर भूकंपों की जानकारी जमा की जाएगी। लेजर के जरिए रेंजिंग स्टडी और मून सरफेस पर खनिज, मिट्टी, केमिकल मिश्रण की जानकारी सहित चांद को लेकर कई अहम जानकारियां मिलेंगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। थर्ड मिशन टू मून। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इसमें कई अतिरिक्त सेंसर्स को जोड़ा गया है। इसकी गति को मापने के लिए इसमें एक लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर सिस्टम लगाया गया है। GSLV MK-3 से किया जाएगा लॉन्च। चंद्रयान 3 मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV MK-3 से लॉन्च किया जाएगा। ये 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया है। देश के इस सबसे हेवी लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का अहम रोल। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है, अब इसरो इसका इस्तेमाल करेगा। चांद की सतह की मिलेगी जानकारी। चंद्रयान 3 मिशन के साथ कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों को भेजा जाना है, जिससे लैंडिंग साइट के आसपास की जगह में चंद्रमा की चट्टानी सतह की परत, चंद्रमा के भूकंप और चंद्र सतह प्लाज्मा और मौलिक संरचना की थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी मिलने में मदद हो सके। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी के साथ चंद्रयान का 47 दिन का सफर खत्म हो गया था। इसके बाद से भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा था। 2024 में गगनयान मिशन। चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इसे सीख लेकर आगे बढ़े। चंद्रयान 3 मिशन से न सिर्फ चांद की जानकारी मिलेगी बल्कि भारत इतिहास भी रचेगा। चंद्रयान 3 के बाद 2024 में गगनयान मिशन के जरिए भारत ने पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पीएम मोदी 2 दिवसीय फ्रांस के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्हें फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया।